ऑन कर देता हूँ, बंद है। और लाइट चलाना। वो एक मस्त फील दिखाता हूँ, क्या एक हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो वो वाइफ उससे नाराज हो गई है, दिखाता हूँ तुमको, देखो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे आप सब लोग, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। और आज मैंने, जैसे कि दिल्ली वाले व्लॉग में मैं तुमको ज़्यादातर कुछ दिखा नहीं पाया था, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ आमेर महल। ये व्लॉग है आमेर महल का, मैं तुम्हें आमेर महल दिखाऊंगा, ठीक। और भैया चेतन को फोन, यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे तू। यहीं से कर रहा हूँ तो यार, आप तैयार ही नहीं हो रहे। चलो यार, खड़े हो, चलो, कोई नहीं, बात नहीं। हाय बोल दे कैमरे में, हाय बोल, हाय बोल। क्या शर्म आ रही है? ये भाई हमारे साथ तीसरा बंदा जो हमारे साथ जाएगा। सो गाइज, ये देख लो, ये है आमेर महल ऊपर, अभी चलते हैं। और ये इस साइड में, यहाँ पे कबूतरों को दाना डालने का है, जहाँ पे मैं सुबह सुबह आते हैं, इस साइड में मछली को दाना डालने के लिए है, ये उस साइड में है। दिलाराम एक ही बात है, अलग अलग बंदा। यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये है माउटा, माउटा काफी लोगों को पता होगा। जी जी जी, नंबर पे। ये जो दरवाजा है, इसका नाम है भैरव पॉल, ये पहला दरवाजा आता है। ये था उस टाइम का आमेर महल का दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों की सभा लगती थी। ये वो जगह है। खुलती नहीं गई। ये उस टाइम के रूम्स, अरे ये रूम खोल दूं क्या? हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या पड़ा है। यहाँ से हम बहुत सारी फोटोग्राफ खींचते हैं। एक मेरी खींचना भाई, बाबू मेरे फोटो खींचते रहेगी फोटो। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ से 27 कचहरी, मतलब कचहरी बोलते हैं जो कोर्ट कचहरी होती है ना, ऑफिस। यहाँ पे है हमाम, हमाम उर्दू का वर्ड है, और स्नान घर अपने हिंदी में बोलते हैं। और ये स्नान घर वगैरह है यहाँ पे, ये यहाँ पे मे बी। और तो ये पोल है, पोल मतलब ये गणेश पोल है, आमेर महल का गणेश पोल है। और इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने। दो राजा थे, एक तो राजा जय सिंह और थे मिर्जा राजा जय सिंह। और इन्होंने, पढ़ सकते हो इसके ऊपर, ये बात मेरे को पहले से पता थी, ये गणेश पोल है। और ये जो गेट है, इसको बोलते हैं गणेश पोल। और ये जो इलाका है, ये शाही, वो बोलते हैं शाही, वो था रसोई घर, ये रसोई घर था। यहाँ रसोई घर में देखो, तुम पढ़ लो, रसोड़ा महल के दो स्थानों में भोजन थे जो। ये अब तो ये बंद कर रखे हैं, पर ये सारा रसोई में रख कर रखा है। ये देखो, तुमको दिख रहा होता है, ये पानी का टैंक है, और इसमें से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। हवा तो इस पूरे महल में बहुत प्यारी आ रही है, मतलब बहुत प्यारी। हमें एक और चीज़ मिली है, ये है टेलीस्कोप। इसके अंदर देखते हैं कैसे क्या काम करता है। देख लिया, इसके अंदर है ना, वहाँ पे खड़े हुए लोग दिखते हैं बस सामने के।
और कुछ नहीं होता। जयगढ़ पे जो लोग टी शर्ट पहन के खड़े हुए थे वो दिख रहे थे। कितनी प्यारी चीज़ है। हा 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 यार अंकल आ गए। जी 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 ईश महल। यहाँ पे बहुत सारे कांच लगे हैं, बहुत सारे, इसलिए इसको ईश महल बोलते हैं। ये है दीवाने खास, मतलब जो राजा के खास मंत्री वगैरह होते थे उनके लिए यहाँ पे लगती थी बैठक लगती थी। यह है दीवाने खास। वाह साइड देख के आते, इस साइड गया। ये है दोस्ती। ऊपर जाने का है, इस साइड तो कोई आ ही नहीं रहा। क्या कोई है, क्या कोई है, क्या कोई है, क्या कोई है। वही डरा दिया। ये हम आ चुके हैं पीछे की साइड। इधर तो मेरे को लगता है किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए कोई है भी नहीं। वाह वाह मतलब पहले की इनके रास्ते कैसे याद हुए, यहाँ खुद के घर के रास्ते ही कैसे याद होते होंगे इनको। बाबू कहाँ गया, वापस जाता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे राजा, इतने बड़े बड़े हाइट के राजा होते थे, इतने छोटे छोटे रास्ते किस काम के। आमेर महल की तुम्हें मैं, ये पक्का नहाने का होगा क्योंकि नालियां भी बनी हुई है। ये बना हुआ है, ये पक्का नहाने का था। रानी रहती थी तो रानी रहेगी भी तो नहीं ना। कहाँ थे आप? वाह हमारे साम्राज्य में आपका स्वागत है। निमड़ा हुमड़ा आम कड़ी की काम कहिया। ये देखो आमेर महल हाथियों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ के एक ये एकमात्र महल है जहाँ पे हाथी से चढ़ाई कर सकते हो आप। पूरे इंडिया का ही एकमात्र है जहाँ पे हाथी से चढ़ाई होती है, वो है आमेर महल। गिराओगे क्या? क्या हो गया? अरे छोटे-छोटे रास्ते, इतने छोटे छोटे रास्ते अपनी हाइट वालों की। अपनी हाइट वालों मतलब मेरी तो आपसे बहुत लंबी है हाइट। ये यहाँ पे शूटिंग चल रही है, मॉडल देखो कितनी सुंदर सुंदर मॉडलों को तो ऐसे बैठा रखा है। ये देख लो भाई, कुछ नहीं था, नॉर्मल मॉडल्स। सामने वाला दिख रहा है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, सब बंद है। जाए किधर से हम? ओह यहाँ पे तो उस टाइम भी होते थे क्या ये वाले बोर्ड? बंद कर दूँ क्या सारे? ऑन कर देता हूँ, बंद है। अरे यार ये तो ऊपर ले जाएगा। कुछ अंधेरे वाला रास्ता है, अंधेरे। यार ये मैंने पहली बार देखा, पता है? क्या है भैया? कोई लाइट जलाना? लाइट तो जला, एक्सप्लोर करते हैं। ये जला ली मैंने तो। वो बोल रहे थे ना बहुत डेंजर है। क्या है यहाँ पे? चूहा तो नहीं है? ओहो क्या डेंजर है इसमें? मंजुलिका सीढ़ियाँ गायब होगी क्या आपके लिए? टाइम पास तो कुछ कहाँ आ गए हम? फिर से ऊपर आ गए। लोग एक मस्त फील दिखाता हूँ। क्या एक हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो वो वाइफ उससे नाराज हो गई है। दिखाता हूँ तुम्हें, देखो देखो ये उसको मना रहा है। कैफे कॉफी डी CCD।
लास्ट क्वीन ऑफ जो थी ना जयपुर की, तो लास्ट क्वीन वो पता है एक्ट्रेस थी, आपको एक्ट्रेस थी। और वैसे वही इनमें बनता था राजा का खाना, इसके अंदर मेरे जैसे 15-20 आदमी भी उबल जाए। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है सुरंग, ये सुरंग है, सुरंग को रोशनी हेतु मशाल लगी रहती थी मध्यकालीन किलों में विशिष्ट प्रकार। तुम पढ़ लेना, ये सुरंग का रास्ता है, यहाँ पे है ना मशाल वशाल लगी रहती थी यार। जहाँ पे मेरे जाने लायक जगह है वहाँ पे तो जाने देते। ये नटराजन की फ़ोटो है, नटराज, और ये नटराज की है, और ये डोंट टच एंड फोटो आठ गले ओ राम की रजाई है 750 रुपये की। ये मार्केट है क्या अंदर, आर्ट गैलरी। देन यू ओनली टोकन एडवांस हियर क्या? नहीं, अब देखो मैं तुम्हें सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये मंडवा, ये जो इसका मतलब वैसे आमेर में है, पर इस जो महल का नाम है वो है अंबर महल। ये बनवाया था राजा मानसिंह ने मूल रूप से, उसके बाद में दूसरे राजा ने इसको मतलब पूरा एकत्रित मतलब एक साइड करवा दिया। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और थोड़ा बहुत संगमरमर भी इस्तेमाल किया गया है इसमें, और पहाड़ी भी बना। पहाड़ी के सामने जो झील है वो मावठा बोलते हैं उसको। और राजा था जो मानसिंह, उनके 12 पत्नियाँ थी, रानियाँ थी, इसलिए उन्होंने 12 कमरे बनवाए थे इसके अंदर। फिर जो उसके बाद में दूसरे राजा, राजा जयसिंह थे शायद, उनके 3 ही पत्नियाँ थी, इसलिए उन्होंने मतलब 3-3 कमरों को जोड़ के एक कमरा बना दिया था यहाँ पे बराबर में। और ये जयपुर ये 4 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो ऊपर ऊपर की डिटेल्स जो मेरे को पता थी वो मैंने तुमको दे दी है बस। मठे के बारे में तुम यहाँ से पढ़ लेना इसमें। और जयपुर की मटका कुल्फी जरूर खाना, बहुत अच्छी होती है यहाँ की मटका कुल्फी, बहुत फेमस है।